अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, रियल स्टेट टीवी के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद उमैर। व्यूवर्स, आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी का। ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी फतेह जंग रोड पे फाल कर रही है। सबसे पहले मैं सोसाइटी का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। प्राइवेट कंक्रीट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का ये प्रोजेक्ट है, जिसके सीईओ और ओनर्स हैं मियाँ जफ़र, और इसका जो डेवलपर्स हैं वो हबीब रफ़ी ग्रुप, जो कि पाकिस्तान के नामवर डेवलपर्स हैं। सब लोग ही जानते हैं हबीब रफ़ी ग्रुप को। वो हबीब रफ़ी ग्रुप इस सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं। तो व्यूवर्स, मियां जफ़र जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने ये सोसाइटी शुरू की थी, जो इसके सीईओ एंड ऑनर्स ऑनर हैं। उन्होंने जब न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना स्टार्ट हुआ था, तो वो उन्होंने पाकिस्तान में आके ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, इसकी डेवलपमेंट शुरू की थी ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी की। तो व्यूवर्स, मैं आपको सोसाइटी के लोकेशन के बारे में गाइड कर देता हूँ। ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी जो है ये फतेह जंग रोड पे फाल कर रही है, और अगर हम फतेह जंग रोड से इस्लामाबाद की तरफ से आएंगे तो जीटी रोड से जो तरनोल है वहाँ से हम फतेह जंग की तरफ मूव करेंगे, तो फतेह जंग रोड पे तरनोल से तकरीबन 12-13 किलोमीटर के बाद ये सोसाइटी लेफ्ट साइड पे बिल्कुल रोड के ऊपर ही इसका गेट है, मेन गेट है। अगर हम पेशावर की तरफ से आएंगे तो M1 मोटरवे से जो फतेह जंग इंटरचेंज है वहाँ से एग्ज़िट करने के बाद 6 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी है। अगर हम लाहौर या पंजाब की तरफ से आएंगे तो M2 से हम M1 पे आएंगे, और M1 से फिर उसी तरह से फतेह जंग इंटरचेंज से एग्ज़िट करके हम इस सोसाइटी को अप्रोच करेंगे। व्यूवर्स, ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी की लोकेशन मैं आपको थोड़ी मज़ीद गाइड कर देता हूँ। जो इस्लामाबाद की बड़ी नामवर सोसाइटीज़ हैं, टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी या फैसल टाउन, F17, उनके बिल्कुल नियरेस्ट है ये। टॉप सिटी मुमताज सिटी से या फैसल टाउन F17 से इस सोसाइटी को 6-7 मिनट लगते हैं, और 6-7 किलोमीटर या 8-9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये सोसाइटी है। एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ एडजेसेंट है, लेकिन हम इस सोसाइटी को अप्रोच जो है वो फतेह जंग रोड से ही कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, अगर हम इस्लामाबाद से आ रहे हों तो इस्लामाबाद से कश्मीर हाईवे से या श्रीनगर हाईवे से ट्रैवल करने के बाद हम टॉप सिटी मुमताज़ सिटी के अंदर से गुजर के फतेह जंग रोड पे आएंगे, और फतेह जंग रोड पे ये सोसाइटी है। या फिर हम इस्लामाबाद से आके M1 मोटरवे पे एंटर होंगे, और एंटर होने के बाद 2-3 मिनट के बाद ही फतेह जंग इंटरचेंज है, वहाँ से एग्ज़िट करके हम इस सोसाइटी में आएंगे। व्यूवर, सोसाइटी की लोकेशन एवरेज लोकेशन है, बिल्कुल सिटी से थोड़ा सा हटके है, बिल्कुल इस्लामाबाद के बिल्कुल नज़दीक नहीं है। 0 पॉइंट से सोसाइटी का जो डिस्टेंस है तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर के रेंज में है, और 26 नंबर से इसका जो डिस्टेंस बनेगा वो तकरीबन 22-23 के डिस्टेंस पे है ये सोसाइटी। इसी तरह जीटी रोड से तरनोल से जो इसका डिस्टेंस बनेगा वो 12-13 किलोमीटर है। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो इसका डिस्टेंस है वो तकरीबन 7-8 किलोमीटर है। M1 से जो इसका डिस्टेंस है वो 6-7 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें इस साइड से Zone 2 से, तो Zone 2 के बिल्कुल साथ, इस्लामाबाद का जो Zone 2 है उसके बिल्कुल साथ है ये सोसाइटी। Zone 2 के एरिया में तो ये फाल नहीं कर रही, लेकिन इससे 3-4 किलोमीटर के बाद ही Zone 2 शुरू हो रहा है इस्लामाबाद का। Zone 2 इस्लामाबाद का वो एरिया, मैं पहले भी उसके बारे में ब्रीफ करता रहता हूँ, जिसमें नई सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं इस्लाम मोटरवे के साथ साथ, जीटी रोड के साथ साथ। जो इस्लामाबाद का नया एरिया है उसे Zone 2 कहते हैं। जिन सोसाइटीज़ की मैं अभी बात कर रहा था, टॉप सिटी, मुमताज सिटी, फैसल टाउन या F17, वो सब सोसाइटीज़ Zone 2 की ही सोसाइटीज़ हैं। तो व्यूवर्स, ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी लोकेशन के हिसाब से एवरेज सोसाइटी है। अभी मैं सोसाइटी का आपको साइट विज़िट भी करवाता हूँ, अंदर जाके इसकी डेवलपमेंट भी दिखाता हूँ। व्यूवर्स, मैं इस टाइम सोसाइटी के बी ब्लॉक में हूँ, और सोसाइटी के साइट ऑफिस के बिल्कुल सामने हूँ। मेरी बैक पे आपको सोसाइटी का साइट ऑफिस नज़र आ रहा होगा, ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी का। हम जैसे ही गेट से एंटर होते हैं, गेट से एंटर होने के फौरन बाद राइट साइड पे बी ब्लॉक है, लेफ़्ट पे ए ब्लॉक है और राइट पे बी ब्लॉक है, और बी ब्लॉक में बिल्कुल शुरू में सोसाइटी का साइट ऑफिस है। सोसाइटी की जो मैनेजमेंट कमेटी है, मैनेजमेंट टीम है, वो इधर साइट ऑफिस पे ही बैठती है,
सोसाइटी में प्लाट्स के ट्रांसफ़र्स वगैरह, डेवलपमेंट के काम, सारा सारा कुछ साइट ऑफिस से ही मैनेज होता है। अगर आपने प्लाट्स के ट्रांसफ़र करवाने हो या सोसाइटी किसी भी किस्म की आपने कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप सोसाइटी के साइट ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये बी ब्लॉक है इसका, और दूसरी साइड पे इसके अपोजिट बिल्कुल ए ब्लॉक है, और बी की बैक पे बिल्कुल ई ब्लॉक है बी। और जब हम मेन बुलेवार्ड पे जाएंगे तो ए से आगे फर्दर फिर इसका उस तरफ सी ब्लॉक है, इस तरफ डी ब्लॉक है। तो व्यूअर्स, मैं आपको बाकी ब्लॉक्स भी इसके विज़िट करवाता हूँ। व्यूअर्स, ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी के 5 ब्लॉक हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ई ब्लॉक। इस टाइम मैं ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी के ए ब्लॉक के मिनी कमर्शियल में हूँ। ये ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी का ए ब्लॉक का मिनी कमर्शियल है। तो व्यूअर्स, डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, सोसाइटी की डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे घर बनने शुरू हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी का कंप्लीट हो गया है। जैसे ही हम गेट से एंटर होते हैं तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे इसका ए ब्लॉक है और मेन बुलेवार्ड के राइट साइड पे बी ब्लॉक है। ए से नेक्स्ट, अभी मैं इसके मिनी कमर्शियल में हूँ, इससे नेक्स्ट फिर इसका ई ब्लॉक है, और बी ब्लॉक के राइट साइड पे बी की बैक पे इसका ई ब्लॉक है, और बी से नेक्स्ट ये ए ब्लॉक का मिनी कमर्शियल है, इसकी दूसरी साइड पे मेन बुलेवार्ड, बीच में मेन बुलेवार्ड के दूसरी साइड पे इसका सी ब्लॉक है, और मेन बुलेवार्ड के एंड पे इसका सेंट्रल कमर्शियल एरिया है सोसाइटी का, जहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है, और वहाँ पे सेंट्रल पार्क है, और उसके राइट कॉर्नर पे इसका फिर डी ब्लॉक है। तो व्यूअर्स, 5 ब्लॉक हैं सोसाइटी के, जिनमें से इसका ए ब्लॉक और बी ब्लॉक फुली डेवलप हैं। ए और बी इसके फुली डेवलप हो चुके हैं, उनमें घर बनने भी शुरू हो चुके हैं, काफ़ी सारे घर बने हुए हैं सोसाइटी में। इसका जो ई ब्लॉक है या फिर सी और डी ब्लॉक, वो अभी डेवलप हो रहे हैं, उनमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन कंप्लीट होने को है। अभी वहाँ पे घर ज़्यादा बनने शुरू नहीं हुए। डी ब्लॉक में भी इसी तरह से ही अभी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट का काम हो रहा है। अभी हमने सोसाइटी का विज़िट किया है तो हर जगह पे डेवलपमेंट के काम जो हैं वो सोसाइटी में हो रहे हैं। तो व्यूअर्स, सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इनकी मिनिमम 40 फीट की स्ट्रीट्स हैं, और हर 40 फीट, 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट और 120 फीट का इनका मेन बुलेवार्ड है, और स्ट्रीट्स के साइडों पे फुटपाथ बने हुए हैं, ग्रीन बेल्ट्स बने हुए हैं। सोसाइटी ने प्लांटेशन अभी से शुरू कर दी है, काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन सोसाइटी में हुई हुई है, और हर गली के दोनों साइडों पे फुटपाथ इन्होंने छोड़े हुए हैं। और दूसरे नंबर पे रोड्स की कारपेटिंग हर जगह पे कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल कारपेट रोड है सोसाइटी में। और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अंडरग्राउंड है, इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग जहाँ पे हुई हुई है फंक्शनल है। इसी तरह सुई गैस भी अवेलेबल है, और सोसाइटी की तरफ से वाटर सप्लाई लाइंस भी बिछी हुई हैं, वाटर सप्लाई लाइंस भी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, मेन चीज़ें जो होती हैं जिनको हम बेसिक नीड्स कहते हैं किसी भी सोसाइटी में, वो यही इलेक्ट्रिसिटी और गैस वाटर होती हैं। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी का अच्छा है। बाकी कमर्शियल्स जो हैं, अभी सोसाइटी ने जो ए ब्लॉक के कमर्शियल्स हैं, यहाँ पे तो कुछ प्लाजे सराउंडिंग में नज़र आ रहे हैं, बन रहे हैं, कुछ बन गए हैं। अभी मार्केट्स यहाँ पे नहीं बनी, इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम लगेगा। रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में शुरू हुई हुई हैं। इस टाइम सोसाइटी इस स्टेज पे है कि हम यहाँ पे प्लाट लेके अपना घर बना सकते हैं बहुत रीज़नेबल बजट में। प्राइसेस मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी में क्या प्राइसेस चल रही हैं इस टाइम। अभी सोसाइटी ने एक नया ब्लॉक भी लॉन्च किया है, वैली ब्लॉक, उसमें इंस्टॉलमेंट्स पे प्लाट दे रही है सोसाइटी। बाकी जो 500 ब्लॉक हैं ये तो रीसेल में है, यहाँ पे आपको प्लाट रीसेल में मिलेगा और कैश में मिलेगा। और जो वैली ब्लॉक है इनका, वो इंस्टॉलमेंट्स पे हैं वहाँ पे प्लाट, तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स प्राइसेस वगैरह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूँगा। तो व्यूअर्स, इस्लामाबाद के सराउंडिंग में अगर रीज़नेबल बजट में हमने फ़ौरन मूव होने के लिए कोई सोसाइटी देखनी है तो उसके लिए बेहतरीन है ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी। अभी जो बेसिक
एक्सेसरीज होती हैं, अगर आपने स्टोर्स वगैरह पे जाना है, बेसिक ग्रॉसरी वगैरह करनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ से 6-7 किलोमीटर पे फैसल टाउन है या F17 है वहाँ पे जाना पड़ेगा, या फ़ज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी है वो भी यहाँ से 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इसी तरह अगर हमने स्कूल कॉलेज को देखना है तो उसके लिए भी हमें फ़ज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी, फैसल टाउन या F17 में जाना पड़ेगा। ग्रेसलैंड हाउसिंग वालों ने हर तरह की प्लाट्स जो हैं इन्होंने रिज़र्व किए हुए हैं स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए, लेकिन अभी उन चीज़ों को सोसाइटी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसी तरह की अभी फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है, इसलिए अभी प्राइसेस भी बड़ी रीज़नेबल हैं। जैसे जैसे फैसिलिटीज़ सोसाइटी में अवेल होती रहेंगी तो प्राइसेस डेफिनेटली इंक्रीज़ होती रहेंगी। तो अभी अगर हमने एक चीज़ मैं व्यूअर्स और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी जो है ये ना तो ये CDMA है और ना ही ये RDMA है। ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी TMA फतेह जंग के अंडर है, इसका डिस्ट्रिक्ट अटक है, डिस्ट्रिक्ट अटक और तहसील फतेह जंग है ये, लेकिन जो इस्लामाबाद का जोन 2 है उसके बिल्कुल साथ है ये, इस्लामाबाद से नियरेस्ट सोसाइटी है, रीज़नेबल प्राइसेस में बिल्कुल नज़दीक तरीन सोसाइटी यही बनती है। फतेह जंग रोड पे इससे पीछे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स सोसाइटी है, फिर फ़ज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी है, PECHS है, इसी रोड पे फिर फैसल टाउन है, F17 है, ये वो सोसाइटीज़ हैं जो डेवलप हो चुकी हैं। अगर इन डेवलप सोसाइटीज़ से नेक्स्ट हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रीज़नेबल प्राइसेस में हमें ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी मिलेगी। तो व्यूअर्स ये इसका कमर्शियल एरिया है, मेरी बैक पे मस्जिद भी बना रही है सोसाइटी, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मस्जिद नज़र आ रही है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है इसकी। और सोसाइटी का एक छोटा सा शॉर्ट टूर मैं वीडियो के एंड पे अटैच कर देता हूँ, जिसमें आपको नज़र आ जाएंगे कि सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा घर बने हुए हैं और कुछ बन भी रहे हैं। व्यूअर्स, ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी का शॉर्ट ओवरव्यू मैंने आपके सामने रख दिया है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सोसाइटी में कौन से ब्लॉक में कौन से प्लाट के साइज़ हैं, प्लाट साइज़ और प्लाट्स के प्राइसेस क्या हैं, रीसेल में हमें किस प्राइस में प्लाट मिल जाएगा, कमर्शियल्स प्लाट के प्राइसेस क्या हैं, और जो नया ब्लॉक इन्होंने लॉन्च किया वैली ब्लॉक, उसमें इंस्टॉलमेंट्स वाली ऑप्शंस किस तरह के हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे किस प्राइस में हमें कौन से साइज़ के प्लाट मिल जाएंगे। तो देखते रहिएगा हमारा चैनल, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद ग्रेसलैंड की प्राइसेस के बारे में और मज़ीद चीज़ों के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू।